वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हम आपके सामने एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, यह लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह जगह जैसलमेर के समीप खादरिया राय मंदिर के पूरे मंदिर परिसर के पूरे नीचे की तरफ ये लाइब्रेरी बनी हुई है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह वीडियो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, तो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी। और ये वीडियो हमारे साथ में दुर्गेश भाई और हमारे भाई यहाँ के उनके साथ में इस लाइब्रेरी को देखेंगे आपके। तो हमारे सामने हरीश भाई खड़े हैं और ये लाइब्रेरी, मैं आपको बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। जी हाँ। और दुर्गेश भाई, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 562, ये जो आप देख रहे हैं पैकेटे में, जी अलमारिया 562 ये अलमारियाँ लगी हुई है, और इन अलमारियों में कम से कम 9 से 10 लाख किताबें। तो दोस्तों, इतनी सारी किताबें, इतने सारे आपने ग्रंथ वगैरह, आपको कोई ऐसी पुस्तक नहीं है दोस्तों जो यहाँ ना मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ में आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल लाइब्रेरी है, इस तरह से ही एकदम फूल भरी है की तरह और बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर हर चीज़ की किताब मिल जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। वाह, फैंटास्टिक, देख सकते हैं दुर्गेश भाई, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं। जी हाँ हरीश भाई, मैंने हरीश भाई, मैं आपको बता दूँ, मैंने भी ये लाइब्रेरी पहली बार देखी और मेरे तो देखते ही होश उठ गए हैं, और वीडियो की तरफ भी ध्यान ही जा रहा है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार देखी है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश भाई, अमेजिंग है, अमेजिंग। वाह, आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा। और मैं आपको बता दूं दुर्गेश भाई, ये वीडियो बनाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत विशेष परमिशन लेके दोस्तों हमने इस वीडियो को बनाया है। बहुत मुसीबतें आई इस वीडियो को बनाने की, क्योंकि दोस्तों आप नेट में सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो तो क्या, इसके फ़ोटो भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे। जी हाँ हरीश भाई, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल परमिशन नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये वर्ल्ड की अपने अगर देखा जाए तो एशिया एशिया की सबसे बड़ी, जी हाँ, अंडरग्राउंड, वो भी आप देख लीजिए, ये अंडरग्राउंड है। और यहाँ ये सेल्फ लगी हुई है, 562 सेल्फ है, अभी आपको उन्होंने बताया था ये अलमारियाँ, और 9 से 10 लाख यहाँ पर पुस्तकें हैं। और ये आज तक आपने इस लाइब्रेरी का वीडियो कहीं नहीं देखा होगा, हमारे इस चैनल पर टूर ऑफ इंडिया में पहली बार ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हमें भी बहुत गर्व है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, और जो हमें भी देखने का पहली बार हमको मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर दुर्गेश भाई हमारे दोस्त साथ में ना हो तो हम यहाँ पे खो जाए, इतनी बड़ी है, इसे बिगेस्ट बिगेस्ट। ये आप सामने देख रहे हैं तो ये बिल्कुल आईने लगे हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्कल है, हाँ बिल्कुल सर्कल है, एक सर्कल की तरह आप देख सकते हैं लॉन्ग टाइम। एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ आपको, यह लाइब्रेरी का निर्माण श्री हरवंश राय मोहन जी ने बनाया था। दोस्तों, इनकी खुद की लिखी हुई किताबें हैं यहाँ पे बहुत सारी, और ये पांडुलिपि, यह चीज़ देखने को दुर्गेश भाई आप अभी इसी टाइम में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये पांडुलिपि है, ये हरवंश राय निर्मल जी की किताबें हैं लिखी हुई, आप देख सकते हैं। लिखी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश भाई, आप देख सकते हैं, ये भारतीय सनातन धर्म शास्त्र है, और ये एन वे इजी ऑफ द ह्यूमन आर्ट्स, आप देख सकते हैं काफ़ी किताबें ऐसी आप। और ये जो सर्कल देख रहे हैं आप दोस्तों, भाई इधर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर पूरे हमारे जो भारतीय इतिहास है, हाँ, तो यहाँ पर भारतीय इतिहास की किताबें आपको मिल जाएगी, हिस्ट्री और वर्ल्ड इतिहास, जी हाँ, भारत का भी नहीं अन्य देशों का भी इतिहास की किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएगी आसानी से। बिल्कुल दुर्गेश भाई, आप सोच सकते हैं अपने दोस्तों को बताए कितना गैप है, और कितने इस विशाल भारत में आप देख सकते हैं कि इतना इतिहास, कितना इतिहास होगा इसमें, ऑल ऑफ वर्ल्ड माई डियर ब्रो, ऑल ऑफ वर्ल्ड का पूरा हिस्ट्री इसी किताबों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल है जहाँ तक नजर जाए इस वक्त, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, अमेजिंग। हमें भी बहुत खुशी हो रही है दुर्गेश भाई इस लाइब्रेरी को देख के, आज करीबन 32 ईयर्स का हो चुका हूँ मैं, पर आज फर्स्ट टाइम ये मौका मिला है कि इस लाइब्रेरी को देखें। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे सामने सब इतिहास की किताबें हैं, आपको हमारे जो भारतीय हर किसी व्यक्ति के जो पॉपुलर व्यक्ति थे उनका इतिहास यहाँ पर मिल जाएगा आपको। बिल्कुल दुर्गेश भाई, और बुक्स यहाँ पर आपको मिलेगी, हिस्ट्री की पूरी। तो चलते हैं हरीश भाई नेक्स्ट स्टेप पे।
तो हरीश भाई मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो यहाँ पर अलमारी है इसमें आपको हर जाति का इतिहास मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, जहाँ ये देखिए राजपूत शाखाओं का इतिहास, यहाँ पर राजपूतों का इतिहास और भी कई इतिहास यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किताबें यहाँ पर, क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं कि हम पढ़ भी नहीं सकते। दुर्गेश भाई हाँ, किताब हम आपको दिखा सकते हैं। दुर्गेश भाई हम इनके हेडिंग भी नहीं पढ़ सकते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, हरीश भाई हेडिंग भी नहीं पढ़ सकते, इतनी सारी किताबें हैं। तो हमारे भाइयों को हम बता देते हैं, आप बताएंगे थोड़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए हैं। यहाँ आपको और अधिक किताबें देखने को मिलेगी और ऊपर रोशनी देख रहे हो आप, यहाँ पर सफाई देख रहे हो। मेन चीज़ हरीश भाई आपको बता दूँ कि यहाँ पर सफाई इतनी ज़बरदस्त है कि आपको कचरे का एक दाना, मामूली सा दाना देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पर सफाई पर सालाना कम से कम 6 से 7 लाख रुपये खर्च होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल हकीकत है। हाँ बिल्कुल। और ये जो आपको बता दें, ये जो स्टेप आप देख रहे हो नेक्स्ट, ये 1x1 अलग अलग स्टेप है दोस्तों। हर ब्लॉक इसी टाइप से बनाया गया है, लंबा लंबा, और हर ब्लॉक में इसी टाइप से अलमारियाँ रखी गई है। इसी टाइप से अलग अलग ब्लॉक है, जैसे उस एक साइड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है, दूसरी साइड में हिस्ट्री है, तीसरी साइड में जातियाँ संबंधित है, और चौथी साइड में धर्मशास्त्र है। इस प्रकार से जितना भी है पूरा ब्लॉक बनाया गया है दुर्गेश भाई यहाँ पे, और हर ब्लॉक में अलग प्रकार का, अलग हिस्ट्री का, अलग किताबें रखी गई है मेरे दोस्तों। ये आपको बता दूं कि ये जो आपको किताब दिख रही है, बिल्कुल, ये हमारे संविधान की किताब है। हाँ, यहाँ तो मेरे काम की है, यहाँ आपके काम की है क्योंकि आप वकील हो, तो ये आपके मुख्यतः आपके काम की। और ये अंग्रेजी के टी टाइप की बनी हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षक चीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखने लायक किताब है बिल्कुल। और इतनी तो किताबें कहीं किसी लॉ में कहीं कभी कहीं भी नहीं होगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसका एक ब्लॉक भी अगर हम लें तो एक ब्लॉक की जो किताबें हैं वो भी सब पे भारी पड़ेगी। जी हाँ, एक आपका ये आप देख रहे हैं तो ये एक ब्लॉक की किताबें भी लाखों से ज़्यादा होगी, 1-2 लाख तो आराम से हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो सोचिए आप, आपकी जो आप वकील हो तो आपकी ये किताबें भी इतनी ज़्यादा है कि आप गिन भी नहीं सकते। हाँ, पढ़ने की दूसरी किताबें, पढ़ना तो दूर है, दूर की बात है भाई, ये तो पढ़ा तो दूर की बात है, ये तो गिना भी नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं और हम इनकी हेडिंग भी नहीं पढ़ सकते। आगे है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिल्कुल दुर्गेश भाई, धर्म प्रसंग के स्वामी शिवानंद गीता प्रवचन, आपको हर प्रकार की किताबें यहाँ मिलेंगी दोस्तों। स्वास्थ्य विज्ञान, हर किताबें हर टाइप की, फल तथा सरकारी परीक्षण, कृषि से संबंधित, बीमारियों से संबंधित, हर प्रकार की किताबें यहाँ पे दोस्तों, हर प्रकार की। आप अगर माने ना, आपके मन में अगर कोई बात हो दुर्गेश भाई के मन में, कोई भी किताब लगे कि भाई ये किताब, तो वो किताब आपको यहाँ मिल जाएगी दोस्तों, मतलब कोई भी। और जो मन में, तो इंसान के मन में क्या ना, कितने पुलाव पकते हैं, कितनी बातें आती है, मन तो पता नहीं, कहते ना चंचल है, ये है वो है, मन तो, और मन में मैं आपको प्रूफ देता हूँ दोस्तों, कोई भी किताब हो मन से बोल दो, वो किताब यहाँ पे मिल जाएगी आपको, क्योंकि इतनी विशाल लाइब्रेरी में हमारे मन से ज़्यादा किताबें पढ़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इंडियन कोड, जब इतनी सारी किताबें रखने के बाद भी जगह ना मिली तो दोस्तों, ये है ना, ये रूम ऐसे इस प्रकार के 18 रूम बने हुए दुर्गेश भाई, और इन रूम के अंदर भी किताबें भरी पड़ी है दोस्तों, देख सकते हैं आप, फुल खचा खच भरी पड़ी है दोस्तों। बुक्स मानो इतनी बुक्स आपने ज़िंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी होगी दुर्गेश भाई, ये जो रूम है 18 रूम है, और इन 18 रूम के अंदर भी किताबें भरी पड़ी है। ये रूम है लगे हुए, सफल की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह है। जी हाँ, दुर्गेश भाई अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के कारण यहाँ का लाइटिंग का, आप लाइट का खर्चा मान लो, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में अगर कंटिन्यू लाइट चालू रहे तो लाइट का बिल कितना आएगा। जी हाँ हरीश भाई, इसीलिए तो मैंने आपको अभी कहा था कि यहाँ का मेंटेनेंस का खर्चा 6 से 7 लाख रुपए सालाना है। ज़्यादा, ये तो सिर्फ सफाई का दुर्गेश भाई। जी हाँ, सफाई का लाइटिंग, और जो आप फैन देख रहे हैं, ये जो फैन चालू हुए हैं, ये वो लाइटिंग का खर्चा आप क्या मानोगे,
ये देखिए और भी यहाँ किताबें आपको मिलेंगी। हाँ, ये जो रूम बने हुए दुर्गेश भाई, क्योंकि जो यहाँ सब बड़ी बड़ी किताबें रखी है, ऐसा नहीं है कि कोई किताब, जो भी आप किताब देखोगे सबसे बड़ी किताब आपको यहाँ मिलेगी, और सबसे प्रसिद्ध किताब जो अच्छी हो, जो और जो थोड़ी बहुत भी कम हो तो वो इस रूम के अंदर रख दी जाती है दोस्तों। ये देखिए भाई, और इस प्रकार हम पूरी लाइब्रेरी देखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और हमारे दोस्त भी थोड़ा भी बहुत बड़ा वीडियो बना दिया है। जी हाँ हरीश भाई, अभी तो हमने कुछ 20% देखा है खाली। बिल्कुल, इस तरह से ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो हम हमारा टाइम और आपका टाइम बचाने के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। तो इससे पहले आप देख लीजिए यहाँ की और थोड़ी सी झलक। तो इसी के साथ हमारे वीडियो को यहीं विराम देते हैं हरीश।